मेन्यूज़ के बारे में यू हैव लर्न अलॉट. आपने देखा कि मेन्यूज़ क्यों एग्जिस्ट करते हैं, मेन्यूज़ को कैसे आप एडिट कर सकते हैं, मेन्यूज़ को कैसे आप ऐड कर सकते हैं. बट देयर इज़ मोर टू देम, देयर इज़ मोर टू एक्सप्लोरिंग व्हाट यू कैन डू विद मेन्यूज़ लाइक डिलीटिंग देम, एक्सप्लोरिंग मेगा मेन्यूज़, आप आइकन्स कैसे उन मेन्यूज़ पर ऐड कर सकते हैं, हाउ यू कैन ऐड सम कस्टम मेन्यूज़ टू योर वर्डप्रेस website. So let's do a quick recap of what you have learned so far. Aap menus kahan locate kar sakte hain? Soche? Yes, you can locate menus on appearance menus. Jab aap apne WordPress ke dashboard mein jayenge, to wahan pe you will get this option, this feature to look for menus and edit menus. Wo hai appearance menus mein. That's the place where you can edit menus. उसके अलावा आपने अभी तक सीखा कि menus को edit कैसे कर सकते हैं. So menus को जब आप edit करते हैं अपने menu section में जाके, तो वो आपको options दिखाएगा like link relationship, title attribute, description, navigation label. आप पे depend करता है कि कौन से labels को आप change करना चाह रहे हैं, कौन सी features को या कौन सी options को आप अपने मेन्यू के लिए एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड ट्राई टू बिकम क्रिएटिव. ट्राई टू थिंक कि ये मेन्यूज़ कौन से हैं, ये किस तरह के मेन्यूज़ हैं जो डिफरेंट वेबसाइट्स पे नज़र आते हैं. अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं हु ओन्स अ फूड बिजनेस, तो आपकी वेबसाइट पे फूड रिलेटेड मेन्यूज़ आप दिखाना चाहेंगे. अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं हु इज़ सेलिंग समथिंग ऑनलाइन ई कॉमर्स में, तो आपके मेन्यूज कुड बी कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू आर ट्राइंग टू सेल. अगर आप किसी और पर्पस के लिए वर्डप्रेस को यूज करें, सो योर मेन्यू वुड बी अलाइंड विद द ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ योर वर्डप्रेस वेबसाइट. पर्पस और ऑब्जेक्टिव ढूंढना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट डिफाइंस व्हाट योर मेन्यू इज. सो याद रखें कि आपको पता होना चाहिए कि मेन्यूज क्यों आपने डालने हैं. अगेन द क्वेश्चन इज, क्या होते हैं मेन्यूज? मेन्यूज आर लिंक्स ऑन द टॉप. मेन्यूज आर द फर्स्ट थिंग दैट पीपल सी व्हेन दे ओपन योर वेबसाइट. सो आप एक मेन्यू को रिमूव कैसे कर सकते हैं? टू डिलीट अ मेन्यू, क्लिक ऑन द डाउन एरो जो आपको उस मेन्यू लिंक पे नजर आएगा. सो जिस तरह मैंने आपको बताया, जब आप मेन्यू एडिट करने जाएंगे तो आपको राइट हैंड साइड पे ये ब्लॉक्स नजर आएंगे, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स, एंड ऑन दोज ब्लॉक्स यू कैन क्लिक ऑन द डाउन एरो एंड वहां से यू कैन सिंपली क्लिक ऑन रिमूव. रिमूव होने से क्या होगा कि आपका वो मेन्यू आइटम डिलीट हो जाएगा. कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन भी रहती है, विच इज वाई आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस. काफी लोगों को लगता है कि और ये जो बिगिनर्स होते हैं वर्डप्रेस के, उनको ज़्यादा ही इस तरह की कन्फ्यूजन आती हैं कि अगर आपने पेजेस का एक मेन्यू ऐड किया है और आपने उस पेजेस का मेन्यू डिलीट कर दिया है, तो एक्चुअल पेज भी डिलीट हो गया, विच इज़ नॉट द केस. एंड आई विल शो यू दिस लाइव. मेन्यू आर जस्ट लिंक्स. मेन्यू डिलीट करने से एक्चुअल पेज डिलीट नहीं होता. इसी तरह अगर आप एक कस्टम कैटेगरी का मेन्यू लिंक ऐड कर रहे हैं, तो उससे कैटेगरी, अगर आप उसको लेट से ऐड करके रिमूव कर रहे हैं, तो उससे एक्चुअल कैटेगरी नहीं डिलीट होगी. एक्चुअल कैटेगरी को डिलीट करने के लिए आपको कैटेगरी सेक्शन पे जाना पड़ेगा. इसी तरह एक्चुअल पेज को रिमूव करने के लिए आपको पेज पे जाना पड़ेगा. हाँ, लेकिन अगर आप एक पेज को डिलीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मेन्यू से निकल जाएगा, अगर वो मेन्यू में पहले ही ऐड हुआ है. सो ये जो रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन मेन्यूज, इनको जहन में रखें कि कैसे डिलीटिंग और रिमूविंग वन थिंग अफेक्ट्स द अदर. मेन्यू लिंक्स को रिमूव करने से पेज नहीं रिमूव होगा, लेकिन पेज को रिमूव करने से वो मेन्यू में से निकल जाएगा. एंड आई विल गिव यू अ लाइव एग्जांपल टू शो दिस.
So, जैसे कि आपको बताया, it's very simple to remove a menu. You'll click on the drop-down and वहाँ से आप remove पे click करेंगे and you can simply remove it. इसी तरह कुछ menu related plugins हैं, वो भी हम देखेंगे अगर हम इस lesson में explore कर सकें. So, हम menus की बात कर रहे थे. Now, we will try to remove menus. Please, उस relationship को याद रखिएगा कि menu link remove करने से page या वो particular post या वो particular category remove नहीं होगी. लेकिन अगर आप उस पेज को पेजेस सेक्शन से जाके डिलीट कर देंगे, अगर आप पोस्ट को पोस्ट से जाके डिलीट कर देंगे या कैटेगरी को डिलीट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके मेन्यू से निकल जाएगा. नाउ आई वांट टू शो यू दिस लाइव. सो वी विल गो टू माय फेवरेट वेबसाइट, योर फेवरेट वेबसाइट, एटलीस्ट आई होप दिस इज योर फेवरेट वेबसाइट, digiskills.saadhamid.000webhostapp.com एंड वी विल गो टू अपीयरेंस एंड मेन्यूज. सो यहाँ पे आप जब जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मेन्यूज़ ऐड हुए हैं, जो मेन्यूज़ आपके मदद से आपको एग्जांपल्स के तौर पे दिखाएं कि ऐड हो सकते हैं. सो लेट मी रिमूव यहाँ से वन ऑफ द मेन्यूज़. लेट से मैं पाकिस्तान का जो कैटेगरी है इसको रिमूव, बल्कि पाकिस्तान की कैटेगरी को रिमूव करते हुए मेरे दिल को कुछ हो रहा है, तो मैं कोई और एक मेन्यू लिंक डिलीट करूंगा. आपके सामने कॉन्टैक्ट का जो है मेन्यू लिंक, आई क्लिक ऑन रिमूव एंड इट्स रिमूव. सो मैंने अभी रिमूव क्लिक किया, बट यहाँ से कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं गया. क्यों? आई गिव अ फ्यू सेकेंड्स फॉर दोज ऑफ यू हु आर स्मार्ट. क्यों सामने से कॉन्टैक्ट का लिंक नहीं गया? वो इसलिए क्योंकि मैंने सेव का बटन क्लिक नहीं किया. सो याद रखें कि सेव मेन्यू का बटन क्लिक करना इज़ मोस्ट क्रूशल, क्योंकि उसी से फ्रंट एंड की वेबसाइट भी चेंज होती है. सो जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया, इफ आई अपडेट माई वेबसाइट नाउ, तो यू विल सी के जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है दैट्स गॉन, कॉन्टैक्ट का पेज चला गया. और जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक लिंक को डिलीट करने से वो पेज डिलीट नहीं होता, सो लेट्स गो टू पेजेस एंड लेट्स सी कि अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट का पेज अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है. सो यू कैन सी कि कॉन्टैक्ट का पेज अभी भी यहाँ पे है. सो दैट मीन्स के द लिंक मेन्यू से डिलीट करने से पेज डज नॉट डिलीट. हाँ, अगर आप पेज को डिलीट कर दें यहाँ से तो वो आपके मेन्यू से भी निकल जाएगा. सो वी विल लुक एट के हमारे मेन्यू में कौन से और पेजेस हैं. सो हमारे पास सरप्राइज का एक पेज है. सो लेट्स ट्राई डिलीटिंग दिस सरप्राइज पेज. और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेज है और मैंने इसका पासवर्ड आप लोगों को बताया हुआ है. लेट्स ट्राई डिलीटिंग दिस पेज. और हम इसको रिस्टोर कर लेंगे, तो घबराना नहीं है. पेज को हमने डिलीट कर दिया. अब हम जाते हैं जब अपनी साइट पे, तो आप देखते हैं कि ऑटोमेटिकली सरप्राइज का पेज मेन्यू से निकल गया. सो ये रिलेशनशिप बिटवीन रिमूवल ऑफ पेज एंड लिंक, ये आपने याद रखना है. और एक और चीज़ भी आप देखेंगे कि जब मैं दोबारा मेन्यूज़ पे आऊँगा तो इट विल शो मी अ रेड बार. ये मुझे दिखा रहा है कि ये कहने के लिए कि ये जो पेज है ये एग्जिस्ट नहीं करता. सो इट मीन्स के पेज डिलीट हो गया. सो वर्डप्रेस गिव्स यू दीज वेरी स्मॉल चेक्स, जिससे आपको पता लगता है कि व्हाट इज़ वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट. दैट्स व्हाई वर्डप्रेस इज सो अमेजिंग. सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल गो बैक ऑन माय बिन एंड आई विल रिस्टोर दिस पेज. और रिस्टोर करने के साथ ही अगर मैं मेन्यू पे जाऊँ तो देखें मेन्यूज़ में वापस आ गया. सो आपने सीखा कि मेन्यूज़ को कैसे रिमूव कर सकते हैं एंड हाउ क्रिटिकल इट इज़ टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन मेन्यूज़ एंड पेजेस एंड पोस्ट्स एंड कैटेगरीज. एंड साथ ही साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, वो ये कि स्क्रीन ऑप्शंस में टैग्स, फॉर्मेट और बाकी फीचर्स को इनेबल करना मत भूलें, बिकॉज दीज आर एज क्रिटिकल एज वेल. So in the next lesson, we will be teaching you how to manage menus, because managing menus is critical. ताकि आप देख सकें कि आपकी theme में आप कहाँ कहाँ वो menus को place कर सकें.